ऐसा शो अभी टेलीविज़न पे है नहीं, जैसा कि नाम है काल भैरव रहस्य। सो ये बात करता है सिद्धपुर के एक काल भैरव मंदिर की, जिसके बारे में ये मिथ है कि अगर सूर्यास्त के बाद में वहाँ कोई जाता है तो उसको भगवान काल भैरव दंडित करते हैं। एंड सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, बट ये एक काल्पनिक गांव है जो हमने सिर्फ एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही बनाई है। हाँ, वो काल्पनिक कहानी है। तो किस तरह राहुल जो मैं कैरेक्टर निभा रहा हूँ इसमें, वो इस गांव में किसी तलाश में आता है और इस मंदिर के मिथ के बारे में उसे पता चलता है, मंदिर से वो रिलेट होता है, किस तरह वो मंदिर से रिलेट होता है और इस मिथ के बारे में उसका कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका मानना है कि ये एक अंधविश्वास है और कोई खेल रहा है सबकी भावनाओं के साथ में, तो वो इस मिथ को तोड़ने की कोशिश करता है। किस तरह गांव वाले उसकी हेल्प करते हैं, गौरी नम्रता उसकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होते हैं, वो इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए किस तरह रहस्य को खोलता है, ये उसकी कहानी है। बाकी नम्रता बताइए। जी, राहुल शर्मा और राहुल, ये दोनों जो है, राहुल और राहुल में बहुत डिफरेंस है। ज़्यादा भगवान को नहीं मानता ये जो मेरा कैरेक्टर है, वो भगवान को डिनाई नहीं करता है बट वो उतना नहीं मानता, अंधविश्वासों में बिलीव नहीं करता, वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत स्मार्ट है और इंटेलिजेंट है, देन एट द सेम टाइम वेरी इनोसेंट एंड वेरी गुड हार्टेड पर्सन। सो यही मेरे कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बता पाऊंगा अभी तो, बाकी एज दिस इज़ माई फर्स्ट शो, सो आई एम रियली वेरी 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 एक्साइटेड एंड मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं, मेरा फर्स्ट शो है और मैं इतनी ग्रेट कास्ट के साथ काम कर रही हूँ और सारे, एक्चुअली एवरी वन इज़ सो नाइस, सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई है, तो मेरा कैरेक्टर मैं भी बहुत अच्छी है। क्या होता है, ये आपको अच्छी टीम मिलती है जब आप खुद भी अच्छी, मैं ऐसा मानती हूँ क्योंकि आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, तो ये ना खुद भी बहुत अच्छी हैं इसलिए इनको बहुत अच्छी टीम मिली है और अच्छी बात निकले सबसे ये है कि इनको भी बहुत, जैसे मुझे, मेरा भी जब कभी फर्स्ट शो था तो मुझे भी अपने बड़े एक्टर्स जो थे सीनियर एक्टर्स उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला था, तो इनको भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि इसमें सारे बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं तो इनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला। नहीं एक्चुअली मैं जो डायरेक्टर बोलते हैं, मैं उनके जो एक्सपर्टीज़ है उनके इंस्ट्रक्शन सब सुनती हूँ और जैसे वो कहते हैं वैसा करती हूँ, तो वो दैट रियली हेल्प टू मी टू गेट इनटू द कैरेक्टर, सो आई रेड दैट स्क्रिप्ट अगेन एंड रिहर्स माय लाइंस, सो दैट वाज नॉट टू डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट इनटू द कैरेक्टर। आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच फॉर लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग मी, क्योंकि मुझे खुद को ही बहुत अच्छा लग रहा है और जब इंसान, स्पेशली लड़कियों को, जब खुद अपने आप को लगता है ऐसे मैं सुंदर लग रही हूँ तो और अच्छी फीलिंग आती है। खैर आई वाज जस्ट किडिंग, सबसे अच्छी बात है कि मुझे लंदन से भी हो ना, तो मतलब मैं क्या करूँगी, आई एम फ्रॉम लंदन, यू वॉन्ट मी टू डू दिस, मतलब ये तो हमारा चलता रहता है। तो अच्छी बात सबसे ये थी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मुझे कुछ डिफरेंट करने को मिल रहा था, सिर्फ लुक्स ही नहीं, मतलब मुझे ओवरऑल बहुत अलग करने को इस शो में मिल रहा है क्योंकि मेरा कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है, एक बाहर से पढ़ी हुई सुलझी समझदार प्रैक्टिकल लड़की का किरदार निभा रही हूँ और जो हमारे शो के हीरो हैं राहुल, उनको उनकी जर्नी जो होती है, जो एक हमारा मिस्टीरियस मंदिर है उसमें किस तरीके से जब वो चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो रुकावटें भी आएंगी, उनको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, उस टाइम पे मैं उनका कैसे सहारा बनूंगी और मैं उनको कैसे हेल्प करूंगी, ये मेरी स्टोरी। तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? ओह माय गॉड, ये हमेशा खींचती रहती ना, देखिए टांग हाथ पांव सब खींचते रहते, ये हमेशा टांग खींचते रहती, मैं हमेशा ऐसे पैर खड़े रखती हूँ क्योंकि मेरी टांग खींचते हैं, इनकी आदत है टांग खींचने। व्यूअर्स को ये कहना चाहेंगे कि बहुत डिफरेंट शो है, प्लीज़ डू वॉच काल भैरव रहस्य 30th अक्टूबर से 7 बजे स्टार भारत पर, और मंडे टू फ्राइडे।